हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। अगर आप क्या है 10th और 12th के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बोर्ड परीक्षा में हम कॉपी कैसे लिख सकते हैं जिससे आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे। तो ऐसी कैसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप ऐसी कॉपी लिख सकें जिससे आपके एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। तो बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, प्रश्नों के उत्तर कैसे आप लिखें ट्रिक के साथ जिससे आपको 95+ मार्क्स मिल सकें। कितने मार्क्स मिल सके, 95% से प्लस मार्क्स आपको मिल सके। जैसे कि आपका 96%, 97%, 98% मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सके। क्योंकि क्या होता है कि कॉपी तो सभी लिखते हैं, एग्जाम तो सभी देते हैं, ठीक है, लेकिन टॉपर कोई एक स्टूडेंट बनता है जिसके क्या होते हैं 95+% मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स टॉपर लोग फॉलो करते हैं वो सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपको क्या हो, फुल में फुल मार्क्स आपको मिल सके। क्या हो, फुल में फुल मार्क्स आपको एग्जाम में मिल सके, ठीक है, जिससे आपके 95% मार्क्स पक्के हो जाए, ठीक है। अगर आपकी क्या है लिखावट यानी आपकी राइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको फॉलो करने से आप की कॉपी बेहतर तरीके से लिखी जा सके, ठीक है। तो वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो उनको हम देखेंगे। तो पहले बात कर ले कि किन पेन्स का आपको यूज करना है, किन पेन का यूज करके आप बोर्ड में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो ये है लेजर पेन, आपको क्या करना है, चाहे आप ब्लैक लेजर हो चाहे ब्लू लेजर हो, इन दोनों लेजर पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप लेजर पेन का यूज करके अपनी कॉपी पे लिखते हैं तो उसमें दो आपके नुकसान हो जाते हैं। पहले ये कि आपकी कॉपी के दूसरे पेज में क्या होंगे, ये जिस इस पेन से लिखेंगे तो दूसरे पेज में छप जाएगा, पहला नुकसान तो ये है। और दूसरा ये होता है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है या आप कॉपी लिखते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें जरा सा भी पानी पड़ जाएगा तो पूरा पेज बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ये लेजर पेन क्या होगा, एकदम ही बेकार है, इन पेन से तो आपको बिल्कुल ही नहीं लिखना है। अब बात आती है कि आप किस पेन का यूज करें, तो सबसे पहले बात कर लें, या तो आप डॉट पेन का यूज कर सकते हैं, डॉट ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, या डॉट ब्लैक पेन का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जेल पेन ले लीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये है नटराज का जेल पेन, ठीक है। नटराज के जेल पेन बहुत ही लाइट जेल पेन होते हैं, इनका अगर यूज करके आप कॉपी लिखते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वच्छ और सिंपल कॉपी आपकी लिखी जाएगी, जिससे आपका क्या होगा, बोर्ड एग्जाम जब एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। और दूसरी बात करें कि ब्लैक और ब्लू पेन की, तो बात हो गई कि ब्लैक और ब्लू पेन आपको जेल पेन यूज करने हैं या फिर आप डॉट पेन भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आपको स्केच कौन कौन से ले जाने होते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, केवल ब्लैक स्केच का यूज करते हैं, और काफी लोग क्या होते हैं, काफी सारे रंग के स्केच यूज करते हैं। पर होता क्या है, आपको केवल ब्लैक और ब्लू स्केच ही यूज करने होते हैं। ये एग्जाम में दिया होता है कि आपको काफी सारे स्केच यूज नहीं करने, केवल ब्लैक और ब्लू का ही आप यूज कर सकते हैं। जब पेन में ब्लैक एंड ब्लू होता है तो स्केच में भी आपको ब्लैक एंड ब्लू ही यूज करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कॉपी कैसे हमें लिखनी है। तो सबसे पहले ये पेपर देख लीजिए, ये है पेपर आपका जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 23-24 जो आपकी बोर्ड की यूपीएमएसपी की वेबसाइट में जो पेपर वायरल हुआ था, मॉडल पेपर, ये वही पेपर है, ठीक है। कक्षा 12 समान हिंदी का पेपर है, देख सकते हैं आप, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का दिया हुआ है, पूर्णांक आपका 100 नंबर का दिया हुआ है। तो इस पेपर को आपको कैसे सॉल्व करना है जिससे आपको क्या हो, बोर्ड में इसी तरह का पेपर आएगा और इसी तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपी कैसे भरना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये आपकी जो अंतर पुस्तिका है वो क्या है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, आप किसी भी क्लास में हो ये उसके लिए कॉपी है, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो पहले आप देख लीजिए। परीक्षा उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में आपको अपना नाम नहीं लिखना, कॉपी की ये जो कॉपी है आपकी इसके किसी भी पेज में आपको क्या करना है, अपना नाम नहीं लिखना। इस कॉपी के किसी भी पेज में आपको अपना नाम या रोल नंबर नहीं लिखना होता है, या फोन नंबर भी अगर लिखते हैं तो वो भी आपको नहीं करना, ना ही नाम लिखना है ना ही रोल नंबर लिखना है, ठीक है। आगे क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों का यह अधिकार होगा कि वो परिषद में सम्मिलित किसी भी परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है, वो किसी भी परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं कि आप नकल तो नहीं लाए, इसलिए आपको क्या करना होगा, बड़ी ही सावधानी के साथ
आपको अपनी कॉपी लिखनी होगी और देखते रहना होगा कि किसी ने आपके तरफ नकल तो नहीं फेंक दी, ठीक है, ये आपको देखना होगा। अब बात करें कॉपी कैसे भरनी है, तो परीक्षार्थी का इसको पहले ये देखिए, परीक्षार्थी इसको स्वयं भरने, आपको ये चीज़ स्वयं भरनी है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, क्या बोला जा रहा है, अंक यानी 1, 2, 3, 4 की संख्या, ये होता है आपका अंक। तो चलिए हम सबसे पहले अपना रोल नंबर भर लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप हमारा रोल नंबर क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, ठीक है। ये तो बात हो गई अंकों की। अब ये रोल नंबर अगर आपको शब्दों में भरना पड़े तो आप कैसे भरेंगे, तो पहले तो ये देख लीजिए, आपको ऐसे गिनना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो ये जो हमारा रोल नंबर है वो कितना है, 11,22,33,445, इतना आपका रोल नंबर है। लेकिन आपको ये नहीं भरना है, आप क्या करेंगे, आपको इस प्रकार भरना है, जैसे आप पे एक दिया हुआ है तो आपको लिखना है एक, ये एक है, ये भी आपको एक करना है, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, ठीक है। देख सकते हैं आप, सीधा सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, ये हमारा रोल नंबर अंकों में और शब्दों में भर चुका है। आगे आपको क्या भरना है वो देख लीजिए, विषय एवं प्रश्न पत्र आपको भरना है, विषय एवं प्रश्न पत्र आपको भरना है। तो विषय हमारा कौन सा है, आज का हमारा जो पेपर है वो है सामान्य हिंदी का। किस चीज का पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर है, जिसको की कॉपी आज हम लिखने वाले हैं, सामान्य हिंदी का पेपर है, ठीक है। और जो हमारा प्रश्न पत्र की संख्या है, चूंकि हमने क्या किया, कॉपी एक ही ली है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस कॉपी में केवल प्रश्न पत्र ही लिखेंगे। अगर आप दूसरी कॉपी लेते हैं तो उस पर आपको क्या करना होगा, जैसे ये आ दिया हुआ है ना, तो उसमें भरना होगा आपको आ प्लस बा, दूसरी जब आप कॉपी लेंगे तो उसमें आपको आ प्लस बा भरना होगा, जैसे कि हमने भरा है, ठीक है। तो ये आपको भरना होगा। आगे आपको क्या करना होगा, परीक्षा का दिन एवं तिथि डालनी होगी। तो परीक्षा का दिन एवं तिथि, तो आज का हमारा जो दिन है वो है सोमवार। कौन सा दिन है, सोमवार है। आप जिस दिन पेपर देंगे आपको वो दिन भरना होगा, सोमवार। और तिथि हमारी कितनी है, 22/2/2023, आज 2023 है। आप जब बैठेंगे परीक्षा में तो 2024 होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी डेट डाल सकते हैं। केंद्र का नाम भरना होगा, ठीक है, केंद्र का नाम भरना होगा, जहाँ पे जिस विद्यालय में आपको ये पेपर देने को मिलेगा। जैसे कि आपका कभी कभी क्या होता है, काफी लोगों का सेंटर जाता है, तो जहाँ पे आपको जहाँ आपका सेंटर जाएगा, जिस विद्यालय में आप पेपर दे रहे होंगे, वहां पे वहां का ही आपको यहाँ पे नाम भरना है, ठीक है। तो अभी तो हम पेपर दे नहीं रहे, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, काखा गा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जिस विद्यालय में आप पेपर देंगे उसी का आपको यहाँ पे नाम भरना होगा। आगे आपका जो छठवां नंबर है वो बोल रहा है कि प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक उपयुक्त पूर्तियों का निरीक्षण करें, ठीक है। संकेतांक आपको यहाँ पे भरना है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा जो पेपर है, हमारा जो पेपर है, इसका संकेतांक है 301 ZF, ये हमारे पेपर का संकेतांक है, इसको हम भर देंगे। तो देख सकते हैं आप, संकेतांक भी हमने भर दिया है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, जो बोर्ड की कॉपी होती है इसका पहला पेज भरा जाता है, ठीक है, इस प्रकार पहला पेज भरा जाता है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो जो भी कक्ष निरीक्षक हो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और उससे पूछ पूछ के कॉपी भर सकते हैं। आगे देख लीजिए कैसे आपको कॉपी लिखनी है। तो पहले तो आप ये देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये 15 मिनट, जो 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। और आगे क्या बोल रहा है, इस जो ये प्रश्न है कि इस प्रश्न पत्र के दो खंड है, इस प्रश्न पत्र के दो खंड है, दोनों खंडों में के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दोनों खंडों में के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डालना होगा यहाँ पे खंड का, क्या डालना होगा, खंड का। खंड का में जो आपका एक नंबर प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या एक है, इसमें भी 5 प्रश्न रखे गए, का खा गा घा गा अंगा, ठीक है। ये 5 प्रश्न रखे गए हैं जो कि क्या है, बहुविकल्पी है, ठीक है। अब बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं वो देख लीजिए।
तो सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पे खंड का, अपनी कॉपी में डालना है आपको खंड का। और ये किस प्रश्नोत्तर संख्या से है? प्रश्नोत्तर संख्या एक का प्रश्न है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या एक का प्रश्न है। और एक बात हम आपको और बताएं, ठीक है, जितना एग्जामिनर के लिए आप सिंपल करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा आप सिंपल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये मत करिए कि प्रश्नोत्तर संख्या एक का जो का है आपने इस पेज में कर दिया, एक का खा है दूसरे पेज में कर दिया, तीसरे पेज में कर दिया, एक प्रश्न यहाँ एक प्रश्न हुआ। जितना ज्यादा एग्जामिनर आपकी कॉपी में परेशान होगा उतने ही नंबर आपके कटेगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं करना है, अगर प्रश्नोत्तर संख्या एक का प्रश्न है तो जो का खा गा घा घा गा है उनको आप क्या करिए, एक पहले या तो इस पेज में कर लीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो इसी के दूसरे पेज में कर लीजिए, ढूंढना उसको ना पड़े। जितना ज्यादा परेशान करेंगे उतने ही नंबर काटेगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या एक हमने डाल दिया। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। तो हम क्या करेंगे, काफी लोग क्या करते हैं, केवल आंसर लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं और काम खत्म। तो भैया शॉर्टकट नहीं अपनाना, जितना शॉर्टकट अपनाएंगे, शॉर्टकट क्या है, लॉन्ग कट से जाइए, जितना ज्यादा अच्छा करेंगे उतने अच्छे नंबर। टॉपर केवल एक ही बनता है, बाकी लोग तो केवल पास होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, हमने प्रश्न भी लिखा है और इसी के साथ हम इसका उत्तर भी देंगे, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। आपको चार विकल्प दिए गए हैं, देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। हमने प्रश्न भी लिखा, प्रश्न का उत्तर भी लिखा, अब हम लिखेंगे, देखेंगे कि विकल्प किस विकल्प में है। तो ये विकल्प है दूसरा, तो आपको नीचे क्या लिखना है, विकल्प दूसरा सही है। तो इसमें आपको देखने को क्या मिला, इसमें आपको ये देखने को मिला कि पहले तो एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं ढूंढना होगा, आंसर भी आपने दे दिया है और आपने ये भी बता दिया कि ये किस विकल्प में है। तो कितना आसान, जितना आसान आप करने की कोशिश करेंगे उतने ही आसानी से वो आपको नंबर भी देगा। तो चलिए आगे के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है लल्लू लाल की रचना है, विकल्प देख लीजिए, पहला विकल्प है सुख सागर, दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु, चौथा है रानी केतकी की कहानी। एक नंबर का आपका प्रश्न है। तो जैसे कि बात करें लल्लू लाल की, जो लल्लू लाल की रचना आपकी प्रेम सागर है, ये तो हमें पता चल गया कि लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, लेकिन कॉपी पे कैसे लिखेंगे? तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर और विकल्प आपका दूसरा सही है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, फिर उसका उत्तर लिखते हैं, फिर ये भी बताते हैं कि किस विकल्प में ये दिया हुआ है और ये विकल्प आपका सही है। इतना सब कुछ अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लिखेंगे तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्दा कहानी के लेखक कौन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है आपका पहला प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अमरकांत, चौथा है यशपाल। तो जैसा कि बात करें पर्दा कहानी के लेखक आपके यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विकल्प देख लीजिए, विष्णु प्रभाकर, रामरच वेणीपुरी जी, या फिर राहुल शांकृत्यायन जी, या फिर रांगेव राघव जी। तो आवारा मसीहा आपकी शरत चंद चटर्जी पर लिखित विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है आपकी आवारा मसीहा। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इनके आंसर लिखेंगे, कैसे लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी का बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो विकल्प देख लीजिए, पहला विकल्प है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर सरदार पूर्ण सिंह जी, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल जी और विकल्प आपका चौथा सही है।
ठीक है, विकल्प आपका चौथा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कुछ इसी तरह लिखना है। तो नेक्स्ट है हमारा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं, देख सकते हैं आप। आवारा मसीहा शरदचंद चटर्जी पर लिखित विष्णु प्रभाकर की रचना है और विकल्प आपका एक सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका अंगा नंबर क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो इसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर संख्या एक के प्रश्न, देख सकते हैं आप, ये थे आपके प्रश्नोत्तर संख्या एक के प्रश्न, ठीक है। तो ये पांच प्रश्न थे, इसमें आपको क्या हो जाएगा, पांच नंबर पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो। आपके पांच नंबर पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे आपको पटरी से लाइन खींच लेनी है। अब आपका पहला नंबर क्वेश्चन सही हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, आपने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या दो। क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दो डाल लिया। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या दो हमारे पेपर में क्या दी हुई है। तो देख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या दो हमने डाल ली है। इसमें भी क्या है, पांच बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है, ठीक है। तो पहले बात कर लें, कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित रचना है। तो अगर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है तो किस युग में लिखी गई होगी? या क्या जयशंकर प्रसाद द्विवेदी युग के हैं, या फिर भारतेंदु युग के, या फिर छायावादी युग के, या फिर प्रगतिवादी युग के? तो जैसा कि बात करें, जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक प्रमुख आधार स्तंभ है छायावादी युग के। चार आधार स्तंभ में एक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। जब वो छायावादी युग के हैं तो कामायनी किस युग की रचना हो जाएगी? छायावादी युग की रचना हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवादी युग का कवि कौन है? क्या अग्रदास हैं, या फिर तुलसीदास, या फिर नंददास, या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो इसमें देखिए, इसमें आपको क्या होता है, तीन विकल्प एक जैसे दिए हुए होते हैं और एक अलग रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपके दास, अग्रदास, नंददास, तुलसीदास। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि दास कब आए थे। दास आए थे आपके कृष्ण भक्ति शाखा में या फिर राम भक्ति शाखा में, आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। तो सबसे अलग कौन है इसमें, इसमें है रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि ये आए थे आपके कब, ये आए थे जब आपका क्या था, जब आपका था आदिकाल। आदिकाल में ही था आपका कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, ठीक। और भैया जब ये प्रगतिवाद आया तो ये आधुनिक काल का युग है, प्रगतिवाद आपका आधुनिक काल का युग है। तो ये आधुनिक काल के कवि कौन से हो जाएंगे, रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों में यही अलग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो पहले तो हम बात कर लें कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया। तो तार सप्तक के आपके प्रकाशक हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने काफी सारे कवियों को मिलाकर उनकी रचनाओं को तार सप्तक में प्रकाशित किया है। तो क्या इसका प्रकाशन 1941 में हुआ, या फिर 1954 में, या फिर 1943 में, या फिर 1947 ईस्वी में? तो जैसा कि बात कर ले, अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? द्विवेदी युग की रचना आपकी कौन सी नहीं है? तो देख लीजिए, विकल्प है आपका प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, या फिर कामायनी, ठीक है। प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत, या फिर कामायनी। तो भी हमने ऊपर देखा था कि कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी हमारी जब छायावादी युग की रचना है तो ये द्विवेदी युग की तो होगी नहीं, तो ये किस युग की हो जाएगी, छायावादी युग की। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, हमारी कामायनी। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो जैसा कि बात कर ले, अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है, क्योंकि ये कवि क्या करते थे, इसमें आठ कवियों को की रचनाओं को शामिल किया गया है और ये कृष्ण की भक्ति करते थे। तो चलिए देखते हैं हमें लिखना कैसे है।
तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तरों के उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर, फिर आपको विकल्प इसी प्रकार से देने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें अगले क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। तो तीसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, दिए गए गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो एक हमें गद्यांश दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, 10 नंबर का आपका गद्यांश है, उसी के प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। और अथवा में भी एक गद्यांश दिया हुआ है, इसके भी प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए हम पहले वाले गद्यांश का क्या करते हैं, सॉल्यूशन कैसे हमें करना है उसको देखते हैं। तो पहले इसको पढ़िए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, ये आपके राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देख लीजिए हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3, हमारा जो प्रश्नोत्तर संख्या वो है कौन सी, 3। और आगे आपको लिखना है संकेत। संकेत आप कैसे लिखेंगे, पहली लाइन हमें लिखनी है डॉट डॉट लगा के लास्ट वाला, धरती माता की कोख में डॉट डॉट आवश्यक है। ये हमारा गद्यांश हो गया। अब ये किस पाठ से लिया गया है और लेखक कौन है पहले ये देखिए। तो पाठ का नाम आपका कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप। पाठ का नाम हमारा है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक है कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाठ का नाम और इसके लेखक। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है तो वो देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो हमने ऊपर पहले ही हाईलाइट कर दिया, जितना आप हाईलाइट करके लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं। अब बात आती है प्रश्नों के उत्तर की। तो पहला का नंबर प्रश्न क्या था, पाठ के लेखक और शीर्षक का नाम आपको बताना था। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है और तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप हमारा क्वेश्चन है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं उसके कारण ही वो क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है। क्योंकि वसुंधरा यानी कि माँ और उसके कोख में क्या है, बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या कहते हैं इस गद्यांश पे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। अर्थात रत्नों को धारण करने वाली उसे हम क्या कहेंगे, वसुंधरा। बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ अन्न फल जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि और आंचल में छिपाए रहती है, ठीक है, कौन, धरती माता, उसका परिचय हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये थी हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते। तो अगला हमारा प्रश्न का उत्तर है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। अगला हमारा प्रश्न था, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियां धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल अत्यंत ही आवश्यक है। तो ये हमारा गद्यांश था। लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका जैसे कि प्रश्न नंबर 2 खत्म हो या प्रश्न नंबर 3 पूरा खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका पेज बचता है तो आपको इस प्रकार से लाइन खींच के क्या करना है, उसको छोड़ देना है। आपको नीचे से ही प्रश्न डाल के नहीं लिख लेना है, जिस पेज पे पहले प्रश्न का प्रश्नोत्तर खत्म हो वो पेज आपको छोड़ ही देना है। आगे हम अगले प्रश्न का उत्तर अगले पेज से करेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिए गए पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने गद्यांश के लिखे उसी प्रकार हम पद्यांश के उत्तर भी लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और अधिकतम सीमा हमें 80 शब्दों में लिखनी है। और 5 नंबर का आपका प्रश्न है, तो देख सकते हैं आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूछा गया है, अब्दुल कलाम जी का पूछा गया या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक
लेखक का क्या करेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। तो चलिए जीवन परिचय कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको इनके बारे में पता है, जैसे कि जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, जन्म स्थान हो गया, उपाधियां इनको कौन सी मिली है और इनकी रचनाएं कौन है, माता पिता का नाम पता हो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उनको क्या करेंगे हम हाईलाइट करके स्मरणीय बिंदुओं के रूप में ऊपर लिख लेंगे या फिर अलग से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या काम करती है, एक हाईलाइटर का काम करती है और एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले इस पर पड़ती है। जब एग्जामिनर इसको देखता है तो पहले ही समझ लेता है कि बच्चे को आता है, ठीक है। और अगर आप जीवन परिचय भी लिखते हैं तो भी आपको क्या करना है वो देख लीजिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में, ये आपको हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। या फिर आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, अलग से ही दिखेगा, ठीक। यही एक हाईलाइट करना होता है, जितना अच्छा इंप्रेशन डालेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इस प्रकार आपको क्या करना होता है, पूरा जीवन परिचय लिखना होता है, ठीक है। इस प्रकार से उनका पूरा जीवन परिचय आपको लिखना है। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय हमें कैसे। तो स्मरणीय बिंदु देख लीजिए, जन्म हुआ सन इनका 1904 ईस्वी में, मृत्यु हुई इनकी सन 1967 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका है मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश। उपाधियां देख लीजिए, डीलिट की इनकी को उपाधि प्राप्त है। रचनाएं इनकी है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और मातृभूमि। तो ये हमारे स्मरणीय बिंदु है। अब हम इनका देखेंगे जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए, हम साहित्यिक परिचय में क्या करते हैं, इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, कौन सी रचना पे इनको पुरस्कार मिला, ये सब हम साहित्यिक परिचय में लिखते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत के इतिहास के, कला एवं साहित्य के प्रमुख विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार हैं। ये साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुरस्कार प्राप्त हिंदी गद्यकार हैं। स्वतंत्रता के समय ये दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में भी इनका प्रमुख योगदान रहा। ये इनका साहित्यिक परिचय है। आप चाहे तो नीचे रचनाएं डाल के इनकी रचनाएं भी लिख सकते हैं। तो ये इनका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। और पहले ये समझ लीजिए, इसमें भी हमारा पेज बच गया है, प्रश्न यहीं से खत्म हो रहा है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसमें हमने लाइन खींच के इसको बंद कर दिया कि हमारा प्रश्न केवल यहीं तक था और अगले पेज से अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा छठवां नंबर, खंड का छठवां नंबर, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। 80 शब्दों में आपको ये करना है। बहादुर या तो ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए या फिर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से जैसे हमने इतने सारे प्रश्न किए वैसे ही आपको करना है। तो इस प्रकार आपका हिंदी का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करना है, कॉपी कैसे लिखी जाती बोर्ड पेपर में वो लिखना समझ में आया। समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।